तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कि YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन का एनिमेशन कैसे बनाए और अपने स्मार्टफोन से बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ सब्सक्राइब बटन का एनिमेशन कैसे बनाए, किस ऐप से बनाए। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि किस ऐप से बेटर आएगा एनिमेशन बनाना। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो आपको सबसे पहले काइनमास्टर का स्टार्ट कर लेना, काइनमास्टर सबसे बेस्ट ऐप रहेगा आपको एडिट करने के लिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काइनमास्टर में जाना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद 16:9 रेशियो पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड ले लेना है कोई भी। आप लेने के बाद आपको अब क्या करना है आगे, अब बैकग्राउंड मैंने ब्लैक ले लिया है, आपको जो मन करे वो आप ले सकते हैं अपने अनुसार। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है लेयर पर। लेयर पर क्लिक करने के बाद एक और मीडिया पर जाना है, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब फिर से इमेज पर जाएंगे। इमेज पर जाने के बाद एक हम बैकग्राउंड ले लेते हैं जो येलो कलर का, जो पीला है। अब लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, अब जान ले लेने के बाद आपको क्रॉप पे जाना है। क्रॉप पे जाने के बाद आपको उसके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद वो सेकंड नंबर पे है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने अनुसार इसको छोटा कर लेना है इसका। अब छोटा करने के बाद इसको क्या करना है, नीचे कर लेना है डाउन में। अब नीचे करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका टाइम बढ़ा लेना है। जिस टाइम बढ़ाने के बाद अब आपको फिर क्या करना होगा, लेयर पे जाना है। हमने सब्सक्राइब बटन का एनिमेशन डाउनलोड कर लिए हैं गूगल से, तो आपको भी गूगल से जाके उस सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड कर लेना है। अब करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको सिंपल से जाना है क्रोमा की में। क्रोमा की में जाना, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब उसको हम छोटा करेंगे ताकि इस पर लगाना है। अब छोटा करने के बाद अपने अनुसार आप एडजस्ट कर लेना है। अब हमने इसको लगा दिया, बस इतना ही पे रहने देते हैं। आप अपने अनुसार लगा लेना, चाहे जैसे आपको इच्छा करे। अब लगाने के बाद इसका थोड़ा रेशियो हम बड़ा कर लेते हैं, सबका थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाने के बाद अब फिर आपको क्या करना है, ये हो गया। अब फिर आपको लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद आपका जो डीपी होगा चैनल पे आपका जो भी डीपी होगा, अब उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरा ये डीपी है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको इस कॉर्नर पे इसको लगा देना है। अब लगाने के बाद आपका जो चैनल नेम है अब उसको इस पर ऐड करना है। अब सिंपल से उस पर जाना है, टेक्स्ट पर जाने के बाद आपका चैनल नेम लिखना है। अब यहाँ चैनल नेम टाइप करने के बाद, जैसे मेरा चैनल नेम है मिस्टर टेक क्रिएशन 0.5, थोड़ा स्लो में हम टाइप कर रहे हैं। अब करने के बाद थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। अब करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, ऐप पे जाना है। अब हम इसको ले रहे हैं रोबोट ब्लॉक, इस पर थोड़ा मोटा हो जाएगा तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और ब्लैक कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ब्लैक कर दिया, अब इसको उठा के इस पर हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए पूरा परफेक्ट हो गया। अब आपका 90% काम, आपका 90% ये एनिमेशन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आगे हम पहले इसको एडजस्ट नहीं किए थे आपको समझाने के लिए, थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिए आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना। थोड़ा इधर उधर हो गया है, हम एडजस्ट कर रहे हैं। उसका सबका टाइम लाइन हम बढ़ा रहे हैं, जो ये देखिए हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी है आपको जानना। और फिर से लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद आपको इमेज पर जाना है।
इमेज पे जाने के बाद आपको कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको लेने के बाद इस कलर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको एक ग्रीन चूज कर लेना है। आप चूज करने के बाद आपको इस पर जाना है, अब फुल स्क्रीन कर लेना है। अब इसका भी टाइम रेशियो बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद आपको आगे क्या करना है, इसको पहले बढ़ा लेते हैं, हो गया। बढ़ाने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे। जाने के बाद अब आपको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपके, अब देखिए ये ग्रीन वाला जो ग्रीन हम बैकग्राउंड लिए थे वो बैक में चला गया। अब आपका एनिमेशन बन के पूरा क्लियर हो गया। लेकिन हम आपको इसको पूरा प्रूफ करते हैं कि इसको लगा कि किस तरह से लगाया जाता है। तो देखिए हम आपको वो भी इस वीडियो में दिखा देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। तो मैं इसको पहले सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब आपको हम अपने वीडियो में इसको लगा के दिखा रहे हैं किस तरह से ये लगेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं अपना कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ। अब लेने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, जो अभी हम सेव किए थे उसको हम ले लेते हैं। अब लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, ये अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है क्रोमा की में। अब क्रोमा की में जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपका वो ग्रीन है जो हट जाएगा। अब हटने के बाद इसको अपने अनुसार इसको छोटा कर लेना है या बड़ा कर लेना है आपको। मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन